हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुरुद्वारे में मिलने वाला प्रसाद, जिसे कड़ा प्रसाद के नाम से जानते हैं, इसे बनाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पानी और चीनी का घोल तैयार करके रख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चीनी तो 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। यदि आप नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से मेज़रमेंट याद रखें, 1 कप चीनी के साथ 2 कप पानी। इसे अच्छे से घोल लें। ध्यान रखें, इसकी एक तार या दो तार की चाशनी तैयार नहीं करनी है, सिर्फ इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। ये अच्छे से घुल गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दें ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमने शुरुआत में ही पानी और चीनी का घोल तैयार करके रख लिया है। अब दूसरे साइड दूसरी कढ़ाई में 1 कप शुद्ध देसी घी, इसे डालें और इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। ध्यान रखें, आपको कड़ा प्रसाद या आप कह सकते हैं आटे का हलवा, इसे बनाना है तो देसी घी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें 1 कप नॉर्मल आटा, गेहूं का आटा ऐड कर दें। यदि आपके पास दरदरा चक्की का कुटा आटा है तो वो लें, तो उससे थोड़ा सा दरदरा आपका हलवा बनेगा। और यदि नहीं है तो नॉर्मल आपके पास जो हो घर पे वो आटा यूज़ करें। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे स्लो फ्लेम पे पकने दें। फ्रेंड्स, आप कड़ा प्रसाद बना रहे हैं तो बराबर क्वांटिटी में आटा और घी का यूज़ करें, तभी अच्छे से बनेगा। आप शुरू में सोच रहे होंगे कि कितना सारा घी का यूज़ किया है, लेकिन बाद में हलवा बनने के बाद ये घी का पता ही नहीं चलेगा, पूरा हलवा एब्जॉर्ब कर लेगा। गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि यदि हम इसे नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल भी सकता है। इसे भूनने में मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लगा है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें जो पानी और चीनी का घोल तैयार करके रखा है, ये पूरा पानी ऐड कर दें। पूरा का पूरा पानी इसमें डल जाता है। ये देखने में भले ज़्यादा लग रहा होगा पानी, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहें, अच्छे से मिक्स कर लें। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक गैस का फ्लेम स्लो करके और पकाएं। ये अच्छे से पक गया है, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। इसमें घी का तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ गया। अब एक साइड हम ड्राई फ्रूट्स तैयार करते हैं। एक फ्राई पैन में 1/2 टेबल स्पून घी लिया है। घी को मेल्ट हो जाने दें और गैस का फ्लेम स्लो पे ही रखें। अब इसमें 8 से 9 काजू ऐड कर दें। काजू को आप काट कर भी ऐड कर सकते हैं, ये बड़ी काजू लिया है इसलिए पहले घी पे भून लिया है। अब इसमें 8 से 10 बादाम को बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। लगभग 5 से 6 सेकेंड ही बस इसे भूनें ताकि ये जल ना पाए। इस तरीके से हल्का सा घी में फ्राई करके डालते हैं हलवे में तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये स्वादिष्ट और स्पेशल कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।